तो हर भारतीय को 15 अगस्त का बेसब्री से इंतजार रहता है क्योंकि ये दिन हम सबके लिए बेहद खास है। आज के ही दिन 1947 में भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली। भारत की इस आजादी में कई वीरों का अहम योगदान रहा है। इस साल भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लखनऊ से खुर्रम निजामी ने यूपी की राजधानी का जायजा लिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। 1947 ये वो दिन था जब हमारा मुल्क आजाद हुआ था और 2021 में उसको अमृत दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। 75वां स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन आज का दिन सिर्फ उत्सव का नहीं है, आज का दिन याद करने का है कि जो हमारे अमर बलिदानी थे उन्होंने क्या कुछ सहा, क्या कुछ खोया, सिर्फ ये बताने के लिए, सिर्फ ये दिन दिखाने के लिए हमको। और हम आज देख रहे हैं तो हम सबको आज खुश तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन साथ में उन शहीदों का याद भी करना चाहिए, उनको नमन भी करना चाहिए, क्योंकि जो उनका बलिदान था उसको कोई भी मुकाबला नहीं है। उन्होंने ऐसी चीज़ के लिए बलिदान दिया जो उनको तो नसीब नहीं हुआ, लेकिन आने वाली नस्लें आज भी उनको याद करती हैं और उनकी याद में अपनी आंखें नम भी कर लेती है। याद करिए वो दौर जब हम अपने देश की आज़ादी के लिए सड़कों पर थे। याद करिए वो दिन जब हजारों लाखों सैकड़ों लोग बलिदानी हो गए सिर्फ इसलिए कि कल का सूरज हिंदुस्तानियों का हो। तो आज याद करना होगा हम सबको उन बलिदान को। हमें याद करना होगा चंद्रशेखर आज़ाद को, हमें याद करना होगा खुदीराम बोस को, हमें याद करना होगा अशफाक उल्ला खान को, हमें याद करना होगा बिस्मिल को, जिन्होंने अपनी जान कल के लिए दे दी और अपना आज देश के लिए कुर्बान कर दिया। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा को दुल्हन की तरह सजाया गया है, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 बजे अपना संबोधन देंगे। और जो सजाया गया है ये हर साल का किस्सा है, लेकिन जब भी ये विधानसभा सजता है तो आम जनता जब आती है तो इसकी तस्वीर जरूर खींचती है, याद करने के लिए, एक मेमोरी सहेज के रखने के लिए कि एक ऐसा दिन होता है जब हम सब का सीना चौड़ा हो जाता है। उस दिन धर्म जाति संप्रदाय किनारे हो जाते हैं। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो पूरी सिक्योरिटी यहाँ पर तैनात है, कोविड चल रहा है, लिहाजा कोई बड़ा उत्सव नहीं है, लेकिन हर हिंदुस्तानी के दिल में उत्सव भरा हुआ है। अब देखिए सिक्योरिटी किस तरीके से है, जो कुछ आम जनता है वो यहाँ ज़रूर आती है देखने और समझने के लिए, आज का दिन समझने के लिए कि आज के दिन का मायने क्या है। जो नस्ल अब हिंदुस्तान में जी रही है उसको इतिहास के पन्ने पलटने पड़ते हैं समझने के लिए, जानने के लिए, और जब वो समझते हैं तो उनकी भी आंखें नम हो जाती है कि उनके लिए कुछ ऐसे बलिदानी थे जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। तो आइए नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं उन शहीद वीरों को और साथ ही उत्सव मनाते हैं अपनी आज़ादी का। वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। तो वीर सपूतों को आज देश नमन कर रहा है। राजधानी लखनऊ में भी आज का नजारा कैसा रहा हमारे सहयोगी के इस रिपोर्ट में आप देख रहे हैं। तो आज देश अपना 75वां आजादी का जश्न मना रहा है और उसको अमृत महोत्सव के तौर पर भी मनाया जा रहा है, क्योंकि 100 साल पूरे होने पर विकास का जो खाका खींचा गया है उसमें भारत नए आयाम को गढ़े, अमृत महोत्सव की भी शुरुआत आज से हो चुकी है।